Good morning, all of you. So today we'll be dealing about employment. Last time we read that tertiary sector contributes maximum to the GDP, whereas it employs less people. लोग कम employed होते हैं, but वो सबसे ज़्यादा contribute करता है GDP में. So today we'll be reading that why more people are employed in primary sector. ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से primary sector में लोगों की employment ज़्यादा होती है. Now let us see. As a result, more than half of the workers in the country are working in primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produces 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. Does this mean that workers in agriculture are not producing as much they could? So up till now you read that इन प्राइमरी सेक्टर में लोग जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम होती है. बट इन सेकेंडरी सेक्टर दे आर एम्प्लॉयड एज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दे आर एम्प्लॉयड मोर. इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट बट द कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दे एम्प्लॉय लेस बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन जी डी पी इज मोर. सो वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इट क्लियरली मीन्स दैट एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल. जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इट मींस इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी. सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. इन अदर वर्ड्स In agriculture, agricultural sector are called underemployed. So underemployment, which is also called as disguised unemployment, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग जितने रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई एक फार्म है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 4 लोगों की है और वहाँ 8 लोग एम्प्लॉयड हैं. दैट डज नॉट मीन्स कि उन 8 लोगों की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. द लैंड विल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी. ओके, सो The other 4 people, they are employed or they are disguisedly unemployed. उनकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी वो वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ इंडिया. इंडिया में यही प्रॉब्लम है दैट लोगों की ज़रूरत नहीं है बट दे आर वर्किंग इन इट. फॉर इंस्टांस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरीगेटेड लैंड डिपेंडिंग ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक जवार एंड अरहर. ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. वाई दे हैव now here else to go, nowhere else to go for work. You will see that whatever is working, none remains idle. But in actual fact, these labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of unemployment, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. This kind of unemployment is hidden in contrast to someone who does not have job. This is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. So, in case of Lakshmi, what did you see? That unke ghar ke jitne bhi members hain, they all work in that 2 hectare of land. 2 hectare ऑफ लैंड उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितनी उनकी कंजम्पशन के लिए इनफ है. सो इन दैट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड सारे ना वर्क करके अगर 2 से 3 लोग भी वर्क करते तो भी लैंड उतनी ही प्रोड्यूस करती और बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे वो अगर अपनी एक ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते, जैसे कैजुअल लेबरर की तरह वर्क करते या टी स्टॉल्स ओपन कर लेते, सो दैट वुड एड एन एडिशनल इनकम टू द फैमिली. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन. ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट हिडन होती है जहाँ लोग अपनी पोटेंशियल जितनी उनमें पोटेंशियल है उससे कम काम करते हैं एंड बट दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. दिख तो रहे हैं कि सारे 6 लोग काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग टू देयर फुलेस्ट. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Now supposing a landlord, Sukhram, comes to hire one or two members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to work to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in the factory. Once again, the earning of the family does not increase. They would also continue to produce as much as their
लैंड. सो अगर अब देखें कि अगर सुखराम जो कि एक लैंड ओनर है, बड़े फार्म का लैंड ओनर है, वो अगर दो से तीन लोगों को इम्प्लॉय कर लेता है, सो दैट वुड एड एन एक्स्ट्रा इनकम टू द फैमिली. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट अगर वो लोग अपनी फार्म को छोड़ के कहीं और काम करेंगे, उनकी फार्म में जितनी प्रोडक्शन है वो तो इंटैक्ट रहेगी, बट वेन दे गो आउटसाइड टू वर्क दे एड एडिशनल इनकम टू द फैमिली. नाउ Now see here, this underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person and other doing odd jobs. Many of them do not find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart, selling something where they may spend the whole day but earn little. They are doing this work because they do not have better opportunity. So there are many such conditions also जहाँ पे लोग better काम कर सकते हैं but उन्हें वो job opportunity नहीं मिलती है. This is a very common problem you must be seeing कि अगर एक government job lowest post के लिए भी आती है तो बड़े से बड़े या बहुत educated लोग भी उसके लिए apply करते हैं. So अगर minimum requirement 10th standard है तो वहाँ पे graduates भी फॉर्म फिल करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फॉर द अबव डिस्कशन वी सी दैट दीज कंटिन्यूज टू बी कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. दे आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. In what way can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take the second crop, wheat, during the rabi season. Let us suppose that one hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizing application and harvesting. So now if you take example of Lakshmi, agar aap Lakshmi ki example lete hain, then the large farm owners, the large land owners, they can provide them money, government can provide them money, or banks can provide them money at the low interest, and by this they can increase their production. Kaise aap production increase hogi? Pehle Lakshmi, who had to depend on monsoon to irrigate her field, now she can construct a well and she has to no more depend on monsoon, and she can also take the rabi crop. Pehle jo wo keval jawar aur arhar grow kar rahi thi, now she can even grow wheat. So two more members of the family can be employed in her own farm. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. They could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector, itself reducing the problem of unemployment. So if canals are dug, तो कनाल डक करने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए, वेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेम सेक्टर. ओके, नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस सच मोर देन बिफोर, दे कुड ऑल्सो. अब अगर देखिएगा तो आप एक चीज देख पाएंगे, दैट अगर लक्ष्मी और ग्रो करने लगती है, शी विल हैव मोर सरप्लस टू सेल इन द मार्केट and she'll have a better income. So this is all what is there. Agar uske paas aur bhi zyada produce honge, to then she'll hire truck. ट्रक अगर हायर कर रही है तो अगेन सर्विस सेक्टर को हेल्प कर रही है. अगर वो मनी ले रही है बैंक से तो बैंक को बैंक और काम करेगा, बैंक्स ओपन होंगी, अगेन इट इज हेल्पिंग टर्शरी सेक्टर. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स दे आर इंटरडिपेंडेंट. अगर प्राइमरी सेक्टर इन्हांस होगा तो उससे रिलेटेड और दो सेक्टर्स जो हैं, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर, वो भी बूम करेंगी, वो भी बूस्ट करेंगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस topic. Now let us move to the next topic. Line by line reading you can do on your own. Okay, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. So one way was by providing facilities. दूसरा तरीका क्या है, that छोटे छोटे cottage industries या छोटी छोटी industries, factories हम open कर दें, जिसके वजह से लोग जो हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा unemployment, अगर आप वहाँ factory start करते हैं, लोग कम पैसे में आपको abundance of labor मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा laborers मिल जाएंगे, आपको कम पैसे लगेंगे जिससे आपकी production cost कम होगी, और in return लोग जो हैं वो उन्हें employment मिलेगी. पहले जो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, now they
get opportunity to work. So this was how it is done. आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं. आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज और बाय विच वी कैन जनरेट न्यू वेज इन एग्रीकल्चर. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट इन दिस टॉपिक ऑल्सो. लाइक एग्जाम्पल ऑफ योर अरहर इज गिवन, देन ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज गिवन. अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं तो जब जरूरत होगी, लोग जब अपने सीजनल क्रॉप्स को, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे जब पैसे बहुत कम मिलते हैं, और वो सेल करेंगे जब बहुत एक्सपेंसिव हो. जैसे अभी सीजन में आप देखेंगे टमेटोज 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ KG मिलती है. बट नाउ हाउ द प्राइस ऑफ द टमेटो हैज रिज़न टू 50, 60, 40 रुपीज़. ओके, सो दिस इज ऑल बिकॉज नाउ दिस पीपल दे हैव कोल्ड स्टोरेज. इनके पास अब कोल्ड स्टोरेज है जिससे ये आराम से अपनी चीज़ों को स्टोर करके और वेट कर सकते हैं कि जब बहुत एक्सपेंसिव होगी तब वो सेल करेंगे. नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट इज गिवन, द रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क. अब एक राइट टू वर्क आया है, जैसे हमारा राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, वैसे ही एक राइट टू वर्क है. राइट टू वर्क में देखिए क्या है. इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया देर देन एक्सटेंडेड टू एडिशनल 130 द डिस्ट्रिक्ट. द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट इन रूरल एरियाज वर बॉट अंडर द एक्ट विच इफेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2008. इट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. सो द नेम हैज चेंज टू, इट्स नो मोर नरेगा, इट्स मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट दे हैव टू डू इज, हर रूरल लेबरर जो अपील करता है मनरेगा के अंडर वर्क करने के लिए, दे हैव टू प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट टू देम. एक साल में 365 days में 100 days की एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रॉमिस की जाती है. एंड इन केस विद इन 21 days, और इन केस अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दैट इज कॉल्ड बेरोजगारी भत्ता इन हिंदी. ओके, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो उन्हें बिना वर्क का भी दिया जाता है, और कोशिश किया जाता है दैट गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन्हें वर्क प्रोवाइड करे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये वर्क कहाँ मिलती है. सो गवर्नमेंट कीप्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग वेरियस थिंग्स. ठीक है, अलग अलग जगहों पे गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें बनवाती है, जैसे कभी रोड बनवा रहे हैं, कभी डैम्स बनवा रहे हैं. सो इन दीज एरियाज दे कीप ऑन कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स एंड दे एम्प्लॉय देयर वर्कर्स अंडर मनरेगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. लाइन बाय लाइन रीडिंग यू कैन गिव, दिस वॉज द जिस्ट दैट आई हैव गिवन टू यू. यही मतलब था दैट वर्क जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ाया जा सकता है लोगों को, और फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग और बाय इंस्टॉलिंग स्मॉल फैक्ट्रीज नियर सच प्लेसेज वेयर द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्ज. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आई डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर राइट टू वर्क, दैट वॉज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. That is called as Manrega 2005, according to which every rural unemployed who is willing to work should get 100 days of employment. And in case they do not get employment, then government starts paying them a minimum subsidized wage to sustain their family till government finds work for them. Okay, so in return, what you are going to do is, in your copies, you will be doing this. Let's work out question answer. There are 4 questions over here. Why do you think Narega 2005 is referred to as right to work? Imagine that you are the village head in that capacity. Suggest some activity that you think should be taken under this act that would also increase the income of the people. Discuss. So, as a village head, as a sarpanch, or whoever is your village head, mukhya. यू हैव टू सजेस्ट अ वे कि क्या ऐसा वेज लाया जाए जिसमें लोग मनरेगा में भी इम्प्लॉयड हो और वो जो चीज़ बनाए उससे और इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन फार्मर्स वेर प्रोवाइडेड विद इरीगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज. इन वॉट वे कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. सो यू आर सपोज टू डू द क्वेश्चन आंसर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गिव अ वेरी थरो रीडिंग, एंड यू विल बी डूइंग दिस. लेट्स वर्क दिस आउट ऑल्सो. ओके, सो दिस बोथ इज योर होमवर्क.
So better do it. And once the copy is submitted, you are going, I hope you know this well, that you are being marked on the copies. So it carries marks. So it's very, very important to submit the copies. And please attend all the online classes, because the discussion of question answers will be done in the online classes. And in case you have not received the link, you can call on the number that is provided and you can get link and the timing of the online classes. Thank you.